RKDEMY app. हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन दिया आपको फाइंड आर ए बी, मतलब आपको ए एंड बी ये जो दो टर्मिनल्स है इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. सर्किट डायग्राम में देखो आपको बहुत सारे रेजिस्टर्स दिख रहे हैं, 2 ओम, 20, 40, 30, 30, 50, 10 एंड 8. अब इतने सारे रेजिस्टर्स है, मुझे ये सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इसको ये सबको मुझे सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, करेक्ट. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सीरीज कनेक्शन चेक करो. सीरीज कनेक्शन में हम लोग एडिशन करते हैं रेजिस्टर का. तो सर्किट डायग्राम देखते ही आपको पता चलेगा कि 20 ओम एंड 40 ओम ये दोनों रेजिस्टर सीरीज कनेक्टेड है, करेक्ट. तो दोनों का एडिशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 60 ओम. सिमिलरली 30 एंड 30 ये दो रेजिस्टर भी सीरीज कनेक्टेड है, तो दोनों का एडिशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 60. नेक्स्ट 50 एंड 10 ये दो रेजिस्टर भी सीरीज कनेक्टेड है, दोनों का एडिशन करने के बाद भी आंसर मिलेगा आपको 60, करेक्ट. अब हम लोग इस 20 और 2 को सीरीज कनेक्टेड क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि दोनों के बीच में चेक करो यहाँ पर नोड है. दो रेजिस्टर के बीच में अगर नोड प्रेजेंट है तो वो सीरीज कनेक्शन नहीं हो सकता. सेम वैसे ही 40 एंड 30 ये दोनों के बीच में भी नोड है, तो ये दोनों भी सीरीज कनेक्टेड नहीं है. 30 50 के बीच में भी नोड है, सीरीज कनेक्शन नहीं है. 8 10 के बीच में भी नोड है, तो ये भी सीरीज कनेक्शन नहीं है, करेक्ट. तो सीरीज कौन कौन है इसमें? 20 40. तो दोनों का एडिशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 60 ओम. फिर उसके बाद 30 30 ये दोनों सीरीज कनेक्टेड है, दोनों का एडिशन करने के बाद आपको मिलेगा 60. फिर उसके बाद 50 10 ये दोनों भी सीरीज कनेक्टेड है, तो दोनों का एडिशन करने के बाद आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 60 ओम. और फिर उसके बाद ये 8 ओम. नेक्स्ट, अब यहां से यहां तक एक ब्रांच है और यहां से यहां तक एक ब्रांच है. देखो ये ब्रांच ओवरलैप हुआ है, यहां पर कनेक्ट नहीं हुआ है, करेक्ट. तो सीरीज कनेक्शन चेक करने के बाद मुझे सर्किट डायग्राम ऐसा मिला. तो अब मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 ओनली 5 रेजिस्टर्स है. अब सीरीज कनेक्शन के बाद चेक करो पैरेलल कनेक्शन. 60 एंड 60 ये दोनों पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्टेड हो सकते हैं क्या? ये 60 60 और ये 60 तीनों रेजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है. अब मैं अगर डायरेक्ट आपको बोलता हूँ कि 60 60 60 ये पैरेलल कनेक्टेड है तो आप लोग यकीन नहीं करोगे. तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ नोड्स काउंट करना है. नंबर ऑफ नोड्स, नोड मतलब क्या? सर्किट डायग्राम का ऐसा पॉइंट जहां से मोर देन 2 ब्रांचेस पास होते हैं, करेक्ट. तो चेक करो इस पॉइंट से कितने ब्रांचेस पास हो रहे हैं, 1 2 एंड 3. तो ये हो गया आपका नोड नंबर 1. इस पॉइंट से भी देखो 1 2 एंड 3, 3 ब्रांचेस पास हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका नोड नंबर 2. सिमिलरली दिस इज नोड नंबर 3 एंड दिस इज नोड नंबर 4. तो इस सर्किट डायग्राम में टोटल 4 नोड्स प्रेजेंट है, करेक्ट. तो नंबर ऑफ नोड्स मिल गया हमें 4. सेकेंड इज इक्विपोटेंशियल नोड्स. इक्विपोटेंशियल नोड्स, अब इक्विपोटेंशियल नोड्स मतलब कौन से नोड? ऐसे दो नोड जिनके बीच में इलेक्ट्रिकल पाथ प्रेजेंट होगा लेकिन उस पाथ में रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगा. जैसे कि नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 3, दोनों के बीच में चेक करो पाथ प्रेजेंट है लेकिन इस पाथ में रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है. तो इसका मतलब नोड 1 एंड नोड 3 इक्विपोटेंशियल नोड्स है, करेक्ट. सिमिलरली नोड 2 एंड नोड 4, ये दोनों के बीच में भी चेक करो इलेक्ट्रिकल पाथ प्रेजेंट है लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है. तो इसका मतलब नोड नंबर 2 एंड नोड नंबर 4 ये दोनों इक्विपोटेंशियल नोड्स है. तो चलो पहले हमने नोड्स कैलकुलेट किए, फिर इक्विपोटेंशियल नोड्स कैलकुलेट किए. अब इसके बाद सर्किट डायग्राम को सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करना है. जैसे कि लेफ्ट साइड आपको पहले टर्मिनल ए ड्रॉ करना है, फिर राइट साइड टर्मिनल बी ड्रॉ करना है, और ये पूरा सर्किट डायग्राम आपको ये दो टर्मिनल्स के बीच में अरेंज करना है,
अब कैसे अरेंज करना है देखो, टर्मिनल ए कौन से नोड को कनेक्ट किया है, नोड नंबर वन को, तो इसलिए टर्मिनल ए के राइट साइड नोड नंबर वन ड्रॉ कर रहा है, करेक्ट। लेकिन नोड नंबर वन एंड नोड नंबर थ्री इक्विपोटेंशियल नोड्स है, ये हमने स्टेप टू में ही चेक किया था। तो नोड नंबर वन एंड थ्री इक्विपोटेंशियल है, तो दो अलग अलग नोड कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, वन और थ्री दोनों के लिए सिंगल नोड यहां पर कंसिडर कर रहा हूं, सेम नोड। नेक्स्ट, नोड नंबर टर्मिनल बी इज कनेक्टेड टू नोड नंबर फोर, तो इसलिए टर्मिनल बी के लेफ्ट साइड में नोड नंबर फोर ड्रॉ कर रहा हूं, करेक्ट। अब फोर एंड टू दोनों इक्विपोटेंशियल है ना, तो टू एंड फोर के लिए सिंगल नोड कंसिडर करना है, करेक्ट। तो चेक करो, मैंने चारों के चारों नोड्स यहां पर ड्रॉ किया है, नोड नंबर वन हो गया, फिर टू, फिर थ्री एंड फोर, चारों के चारों नोड्स मैंने यहां पर ड्रॉ किए। अब चलो इस सर्किट डायग्राम को सिंप्लीफाई करते हैं। 2 ओम रेजिस्टेंस ए एंड वन, ये दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, टर्मिनल ए एंड नोड वन के बीच में, तो ए और वन के बीच में यहां पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूं जिसका वैल्यू होगा 2 ओम। फिर उसके बाद 60 ओम बिटवीन वन एंड टू है ना, नोड वन एंड टू, तो वन एंड टू ये दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा, 60 ओम। नेक्स्ट, दिस 60 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन नोड टू एंड नोड थ्री, तो नोड टू एंड नोड थ्री ये दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा, 60 ओम। नेक्स्ट, दिस 60 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन नोड थ्री एंड नोड फोर, तो थ्री एंड फोर दोनों के बीच में यहां पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा। नेक्स्ट, 8 ओम रेजिस्टेंस बिटवीन नोड फोर एंड टर्मिनल बी, नोड फोर एंड टर्मिनल बी, 8 ओम। अब चेक करो, सिंप्लीफाई करने से पहले सर्किट डायग्राम में रेजिस्टर्स कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, एक भी रेजिस्टर कम नहीं है, एक भी ज्यादा नहीं है, इसका मतलब हमने जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया वो परफेक्ट है। अब इसके बाद आपको स्टेप नंबर 4, सीरीज एंड पैरेलल रूल्स अप्लाई करना है, सीरीज एंड पैरेलल रूल्स। अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि 60, 60 और 60 ये तीनों रेजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है, लेकिन उस टाइम यकीन नहीं हो रहा था। अब इस बार चेक करो, इस सर्किट डायग्राम में डायग्राम देखते ही आपको पता चलेगा कि 60, 60, 60 ये तीनों रेजिस्टर कैसे है पैरेलल कनेक्टेड, क्योंकि तीनों रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है, एंड पॉइंट यहां पर है, तो ये तीनों रेजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है। अब पैरेलल कनेक्टेड है तो यहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन चेक करो, ये तीनों रेजिस्टर का वैल्यू सेम है, तो इस बार हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आर अपॉन एन। आर अपॉन एन मीन्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ये फॉर्मूला हम लोग कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर सभी रेजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है और सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है। तो चेक करो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब तीनों रेजिस्टर का वैल्यू 60, 60 एंड 60 है, वैल्यू सेम है, और ऐसे कितने रेजिस्टर्स है मेरे पास, 3 रेजिस्टर्स हैं, तो 60 डिवाइड बाय 3 करते हो तो आंसर मिलेगा आपको 20 ओम, करेक्ट। नेक्स्ट, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 2 ओम, ये तीनों का इक्विवेलेंट मुझे मिल गया 20 ओम, एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 8 ओम, तो बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी टोटल 3 रेजिस्टर्स बच गए, 2, 20 एंड 8। सर्किट डायग्राम देखते ही पता चल रहा है कि ये तीनों रेजिस्टर सीरीज कनेक्टेड है, तो सीरीज कनेक्शन में हम लोग एडिशन करते हैं, तो फाइनल आंसर मिलेगा आपको आर ए बी इक्वल्स टू 2 + 20 + 8, सबका एडिशन होगा 30 ओम्स। तो फाइनल आंसर मिल गया मुझे, रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी इक्वल्स टू 30 ओम्स, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन।